वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफएसएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 गुलाम के नियम तथा वैध क्षेत्र के आंकिक यानी कि न्यूमेरिकल में प्रश्न संख्या 27 से 35 तक के प्रश्न के हल को ये हल किए थे। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है प्रश्न संख्या 36। 20/3 × 10⁻¹⁹ कूलम तथा −10 × 10⁻¹⁹ कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैध क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चलिए देखते हैं आगे के सॉल्यूशन को किस प्रकार से हल करते हैं। ये आवेश Q1 है 20/3 × 10⁻¹⁹ कूलम तथा Q2 −10 × 10⁻¹⁹ कूलम का आवेश है। देखिए आवेश कैपिटल A और उसके बाद B परस्पर धन और ऋण आवेश लिए हुए हैं। याद रखने योग्य बात यहाँ पर क्या है कि छोटा आवेश दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बाहर सीधी रेखा पर छोटे आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैध क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब जरा A से B की दूरी 0.04 मीटर ये गिवन है। छोटे आवेश से बाहर किसी दूरी पर वैध क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A पर आवेश +Q1 ये वाला +Q1 है के कारण P पर तीव्रता, A के कारण P पर तीव्रता AP, इसको E1 मानते हैं, इक्वल टू 9 × 10⁻¹⁹ Q1 की वैल्यू क्या है 20/3 × 10⁻¹⁹ कूलम। और B पर आवेश, ये देखिए ये B है, B पर आवेश Q2 दिखाई दे रहा है ना, Q2 ऋण आवेश के कारण P पर तीव्रता E2 इक्वल टू EBP इक्वल टू 9 × 10⁻¹⁹ Q/r². तो बस अब इनको क्या करना है कि जो दोनों को परस्पर बराबर करना है, क्योंकि बिंदु C पर वैध क्षेत्र की तीव्रता को हमें जीरो करना है। वैध क्षेत्र की तीव्रता को जीरो करने के लिए वेक्टर E1 इक्वल टू वेक्टर E2, ठीक, दोनों को वेक्टर के हिसाब से हम लिख देते हैं और इनके मान को पहले रख करके कैंसिल करते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब हम Q1 और R1, Q2 और R2 दोनों वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं। देखिए हमें क्या मान मिलता है। यहाँ पर दिखता है आवेश Q2 इक्वल 20/3 × 10⁻¹⁹ कूलम का आवेश, और इतना जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 10⁻¹⁹ ये कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ देखिए, ये वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, 2 का अंडर रूट देखिए स्क्वायर, और 3 को इधर ले आओगे अंडर 3, और R ये दिखाई दे रहा है, R+0.04 ये चीज़ नीचे दिख रहा है। अब दोनों के स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो अब हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। R√3 यानी कि √3R इक्वल टू √2R प्लस √2 × 0.04। इसको इधर ले आते हैं, √3 − √2 R को कमन कर लेते हैं, इक्वल टू मिला हमें 0.04 √2। संयुग्मी का गुणा कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, और वही संयुग्मी हम इधर भी पहुंचा देते हैं। a − b a + b इक्वल टू a² − b² हुआ, 3 − 2 मिला, R तो कॉमन है ही। बस इनके वैल्यू को पुट करके देखते हैं तो R के वैल्यू मिल जाएगा 0.178 मीटर। कैलकुलेशन करने से मिल जाएगा, ये पूरा केवल कैलकुलेशन है, आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, हल करके देखिएगा, एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, हल करके हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है, क्वेश्चन देखिए जरा।
1000 मीन्स 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा भी बतानी है। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और इसके बाद हो जाएगा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में दोनों आवेश Q1 और Q2 से मध्य बिंदु पर और यानी कि 1 मीटर की दूरी पर और दोनों आवेश से ये 4 मीटर की दूरी पर हमें किसी बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए विपरीत प्रकृति का आवेश A और B पर है तो A पर आवेश 1000 माइक्रोकूलम और B पर आवेश हमने ले लिया -1000 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है प्रश्न अनुसार, तो मध्य बिंदु अगर सी मानते हैं तो ए से सी की दूरी भी 1 मीटर होगी और बी से सी की भी दूरी 1 मीटर होगी। ठीक, अब ए और बी पर आवेश के कारण सी पर तीव्रता E=E1+E2 सदिश रूप में क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी पर अगर धन परीक्षणावेश +Q0 मानते हैं तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण अर्थात E1 की दिशा दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक, माइनस आवेश सी बी पर आवेश ऋणावेश है माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस में आकर्षण, तो आकर्षण के लिए E2 भी इसी दिशा में हो गया। तो E1 और E2 एक ही दिशा में होने के कारण बिंदु सी पर ए और बी पर आवेश के कारण परिणामी तीव्रता क्या होगा E=E1+E2 क्योंकि जुड़ गया। बस E1 और E2 में 9×10^9 कॉमन हो गया, ये E1 के लिए Q1/R1² और E2 के लिए Q2/R2² Q1 और Q2 की अगर बात करें तो ये 1000 माइक्रोकूलम है, तो 1000 माइक्रोकूलम को हम कैसे लिखेंगे जरा देखिए, ये 1000, ये 1000 इंटू माइक्रो का मतलब 10^-6, तो 1, 2, 3 ये हो गया +3, तो -6+3=2 कितना होगा -3, तो 10^-3। ठीक है ना, यही चीज़ दिखाई दे रहा होगा, ये Q1 और Q2 का मान ये एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा, 10^-3 माइक्रो यानी कि ये कूलाम, ये सी फॉर कूलाम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बीच की दूरी कितनी हो गई R, तो R1 भी एक है, R2 भी एक है, 10^-3 दोनों में है, तो क्यों नहीं इसको 2×10^-3 कर दें, 10^-3 +10^-3 2×10^-3 तो 9×2=18 × 10^-, ये देखिए यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो 9−3=6 होगा, 1 0 1 बढ़ा दीजिए और डेसिमल वैल्यू ले लीजिए, तो ये वैल्यू आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, E1 और E2 का तो मान उतना ही होगा जैसा कि आपने ऊपर देखा था 9×10^। अच्छा एक और बात है, A के कारण C पर तीव्रता, B के कारण, देखिए A के कारण C पर तीव्रता और B के कारण C पर तीव्रता, बीच की दूरी R=4 मीटर है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 का इस्तेमाल हो गया। तो फार्मूला होता है 9×10^9 Q/R2, 9×10^9 क्यू का वैल्यू है 10^-3 कूलाम और R की वैल्यू A से C की दूरी, B से C की दूरी 4 मीटर, वही 4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिल गया 9/16×10^6 N/कूलाम। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हमें जरूर पढ़ने वाला है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा =base/hypotenuse। ठीक, तो बेस इस समकोण त्रिभुज में देख लीजिए क्या मिला, इस समकोण त्रिभुज में बेस 1 है तो हमने 1 लिख दिया, हाइपोटेनियस वैल्यू है 4 तो ये 4 लिख दिया, कॉस थीटा =1/4। अब मान लिया जाए कि सी पर धन परीक्षणावेश +Q0 है तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन फोर्स है। ठीक, माइनस और प्लस में आकर्षण बल है अर्थात E2 इधर आ रहा है यहाँ पर, E1 और E2 दोनों ये डायरेक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है और थीटा कोण पर लगे हुए हैं, तो E1 का ये E की दिशा में घटक कंपोनेंट E1 cos थीटा, E2 का E की दिशा में कंपोनेंट E2 cos थीटा, E1 cos थीटा +E2 cos थीटा को सम कर दीजिए यही E हो जाएगा, तो E=2 क्या मिला E1 cos थीटा +E2 cos थीटा, तो E1 और E2 ये दोनों मान बराबर है, cos थीटा तो है ही, तो दोनों ये देखिए वैल्यू इक्वल होने के कारण हमने क्या लिख लिया 2×E1 cos थीटा, 2 की वैल्यू 2,
इवन की वैल्यू 9 अपॉन या क्या दिख रहा है 9 अपॉन 16 इंटू 10 पावर 6, ये वैल्यू लिखा हुआ है। और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4 1/4। बस इनका कैलकुलेशन करके देखते हैं तो पता चलता है आंसर आता है 2.82 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 38, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन कह रहा है एक संभावित लोच के 3 कोनों ए बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलम आवेश है। कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हों तब इसे हमें ज्ञात करना है। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ए पर आवेश दिया हुआ है कितना, ए पर आवेश दिया हुआ है 0.1 माइक्रो कूलम, ये हो गया क्यू की वैल्यू। बी और सी के मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये भुजा सभी दी गई हैं 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो अब इस राइट एंगल में देखें, समकोण त्रिभुज में देखें तो हमें मिलेगा ये या ए से बी और सी के मध्य बिंदु पी की दूरी, ये आर इक्वल टू कितना मिलेगा, ये वैल्यू आर दिखाई दे रहा होगा, आर इक्वल टू ये बेस है यहाँ पर, बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, तो इनके वैल्यू को 10 ये का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस करने पर हमें मिलेगा 75 को ले लिया 25 × 3, 25 का अंडर रूट हो गया 5 √3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो क्या होगा 10 पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये कितना होगा, वही आर स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर करके देखते हैं 10 मीटर के रूप में तो 75 × 10 पावर माइनस 4, ये आर स्क्वायर की वजह से मीटर स्क्वायर ले ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ए पर आवेश के कारण बी व सी के मध्य बिंदु पी पर तीव्रता इक्वल टू 9 × 10 पावर 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू जैसा कि अभी ऊपर दिखाए थे ये 0.1 माइक्रो कूलम, 0.1 × 10 पावर माइनस 6 कूलम, ये वैल्यू मिल गया। आर की वैल्यू आपको निकाल चुके हैं, हमें ज़रूरत है आर स्क्वायर का, तो डायरेक्ट हम आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे ऊपर से निकाल करके 75 × 10 पावर माइनस 4, आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसको हल करने पर मिलेगा ये 1.2 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, न्यूटन पर कूलम ये आपका आंसर है। अब इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको भी ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, एबीसी एक संभावित त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों ए व बी पर क्रमशः 50/3 × 10 पावर माइनस 19 तथा −50/3 × 10 पावर माइनस 19 कूलम का आवेश है। इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कहते हैं ब्रॉडसाइड ऑन पोजिशन निरक्षीय स्थिति। तो इसमें E1 और E2 ये ऊपर के सवाल के जैसा है, ऊपर जैसा कि आपने सॉल्व किया था इसके पहले वाले, यानी कि 39 के पहले, 38 नहीं और उसके पहले वाले सवाल को देखना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सवाल है। अब ये इसमें आगे देखते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 9 √10 पावर 9 क्यू अपन आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 50/3 × 10 पावर माइनस 9 और ओ से यानी कि इस देखो ए व बी से सी की जो दूरी है, ये देखो यहाँ पर सी है, सी की जो दूरी है 0.05 मीटर है, ये मीन्स 5 × 10 पावर माइनस 2 मीटर है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 25 × 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, वही 25 × 10 पावर माइनस 4 रख दिया। इसको कैलकुलेट किया तो हमें मिला ये देखिए ये 25 × 50 हो गया और 3 से काटोगे 3 × 9 हो गया, 3 × 6 हो गया। अब ये चीज 10 पावर माइनस 9 से 10 पावर 9 ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 4 को
10 पावर माइनस 4 को ऊपर पहुंचाओ, 10 पावर 4 यही आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिला, यहाँ पर ए पर आवेश भी दिख रहा है यहाँ पर, और बी पर आवेश भी दिख रहा है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। सी पर परीक्षण आवेश है, ए पर ये प्लस क्यू आवेश के कारण सी पर तीव्रता प्लस प्लस में प्रतिकर्षण इवन ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए बी पर ऋण आवेश ये चीज़ है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चीज़ है बी पर माइनस 50/3 इंटू 10 पर माइनस 9 कूलम, तो ये इसके कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस और माइनस के कारण आकर्षण अर्थात E2 इधर हो गया। तो E1 और E2 ये परस्पर ये थीटा कोण पर लगे हुए हैं, E की दिशा से थीटा कोण पर, तो इनका परिणामी मींस रिजल्टेंट E इक्वल टू क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जैसा कि ऊपर हम पहले बता चुके हैं। तो A व B पर आवेश के कारण C पर परिणामी तीव्रता यह इन डाउन पोजिशन न होकर के ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन है, निरक्षीय स्थिति है। तो E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E2 E1 के बराबर है, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा ये दोनों इक्वल होने के कारण 2 E1 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, क्योंकि यह x ये संभावित त्रिभुज है, संभावित त्रिभुज होने के कारण इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के कारण थीटा की वैल्यू 60 है, ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। ये थीटा की वैल्यू 60 अगर रखते हैं तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव हमें P ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए किसे कहते हैं, एक पर निगेटिव चार्ज हो और दूसरे पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो और बीच की दूरी अल्पतम दूरी हो तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव P की जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एरो बना के आपको दिखाई दे रहा होगा। P इक्वल टू क्यू इंटू 12 ये फार्मूला हो गया। Q की वैल्यू कितना दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश समान होता है, Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो मींस 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो अब इन दोनों को हल करते हैं तो इसका आंसर आएगा 8.84 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलाम मीटर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 2.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए तो फार्मूला यहाँ पर भी पी इक्वल टू कितना मिला, क्यू इंटू 12 है ना, क्यू इंटू 12, तो क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 2 माइक्रो कूलाम और 12 यानी कि दोनों के बीच की दूरी 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, दोनों को हल करोगे सीधे सीधे है 3 2 6 इंटू 10 पावर 6 2 8 माइक्रो कूलाम, यानी कि कूलाम और मीटर में इसका मात्रा के अनुसार आंसर आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl अणु का वैद्युत द्विध्रुव, क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलाम मीटर है, एच तथा सीएल के बीच का विस्थापन हमें ज्ञात करना है, यानी कि 12 ज्ञात करना है। तो पी इक्वल टू क्यू इंटू 12 ये फार्मूला हो गया, 12 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सीधे सीधे पी और क्यू की वैल्यू रख दीजिए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर की दूरी पर है, फर्स्ट पार्ट में उनका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है, यदि वे विस्थापन में है तब इसे ज्ञात करना था, सेकंड पार्ट में कह रहा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमता है। तो वैसे भी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 12, तो Q की वैल्यू गिवेन है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, और 12 ये बीच की दूरी दी गई है 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर, इनको हल करने पर ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये 43 8.48 इंटू 10 पावर माइनस 32 कूलाम मीटर। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें एक और बात कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की त्रिज्य दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण
अपोजिट वैद्युत ध्रुव परस्पर जुड़ते चले जाएंगे और जीरो हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पर क्या है ये चीज ध्यान से देखिएगा, 2 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव में बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टा इक्वल टू PE sin थीटा। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो टा की होती है। टा वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, थीटा क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के बीच बना कोण थीटा है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 अंश है, बस कुछ नहीं करना है। टा की वैल्यू याद करने के लिए पी की वैल्यू 1 रख दिया और ई की वैल्यू 2 रख दिए। अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 30 रख दें, हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 1 न्यूटन मीटर ये वैद्युत ध्रुव का, यानी कि ये टा आ गया, वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण है ये। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है एक वैद्युत ध्रुव 10^5 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6×10^-24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगा हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, फिर से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, जबकि ये तीनों वैल्यू गिवेन है। बस सीधे सीधे मान ज्ञात करके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P=T/E sin θ, थीटा की वैल्यू 30 रख करके, साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख करके, और 6×2 = 12 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाओगे 5 को, -5 होगा, और फिर इसके बाद में 24×5 = 29 हो जाएगा, 10^-29, और एक पावर एडजस्टमेंट करोगे तो 1.2×10^-28 ये हो जाएगा पी कूलम मीटर में। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, देखिए ध्यान से आपके सामने 1 माइक्रो कूलम तथा -1 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1×10^5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट में वैद्युत ध्रुव का गुण और सेकंड पार्ट में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म। सीधे सीधे ये फॉर्मूला है, ये गिवन है E की वैल्यू 1×10^5 N/C और Q की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, विपरीत प्रकृति का आवेश है, बीच की दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर यानी 2×10^-2 मीटर। सीधे सीधे P=Q×12 ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में टा मैक्स ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला होता है टा इक्वल टू PE sin θ, टा मैक्स इक्वल टू PE, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। तो बस सीधे सीधे पी की वैल्यू रखना है, ई की वैल्यू रखना है, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके सामने है। यहाँ पर मैंने चैप्टर 1 कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के सभी न्यूमेरिकल का संपूर्ण हल दे दिया है। आप उन सभी वीडियो को फिजिक्स 12 की प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से सभी वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रीवियस वीडियोज़ को लिंक दे दिए गए, आप वहां पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको इन वीडियो में किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को मैं डाउट सेशन में ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।